सो अगर आप भी मैनपेजर ऑडिशन के लिए इधर उधर सर्च कर रहे हो सो आज इस सर्च को बंद कर दो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 7 सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को ही जावा एडिशन में चेंज कर देंगे। सारी सेटिंग्स आपको पॉकेट एडिशन में मिल जाएगी एंड सभी सेटिंग्स को करना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को फुल जोर से करना। मैं आपको इन सेटिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा आखिर इन सेटिंग्स से होगा क्या एंड एट द लास्ट आपकी पॉकेट एडिशन को जावा एडिशन में चेंज करके छोड़ूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 1 पर जो सेटिंग आती है इसको करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट आपको जाना है वीडियो वाले ऑप्शन में। आपके यहाँ पे हाइड पेपर टूल नाम की एक सेटिंग दिखेगी, तो आपको उसे डिसेबल कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन के साइड में एक पेपर टूल आ जाएगी जो कि आपके हर एक एक्शन को दिखाएगी। नंबर 2 में जो सेटिंग आती है इसे करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। फिर आपको जाना है गेम्स वाले ऑप्शन में। आपके यहाँ पे शो कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे एनेबल कर देना है। इसे एनेबल करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप कभी भी अपना घर नहीं भूलोगे। नंबर 3 पर जो सेटिंग आती है इसे करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। देन आपको जाना है वीडियो वाले ऑप्शन में। आपके यहाँ पे आउटलाइन सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे एनेबल कर देना है। जैसे आप इसे एनेबल करेंगे आप जिस भी ब्लॉक को टच करेंगे उस ब्लॉक पे कुछ इस टाइप का आउटलाइन आ जाएगा। पहले ये थोड़ा व्हाइटिश टाइप का हो जाता था बट इसे एनेबल करने के बाद इसमें आउटलाइन आ जाएगी। नंबर 4 पर जो सेटिंग आती है इसे करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। देन जाना आपको वीडियो वाले ऑप्शन में। आपके यहाँ पे ब्राइटनेस दिखेगी, आपको इसे 100 पे कर देना है। एंड जैसे आप ऐसे करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम बढ़ जाएगी एंड आपको डे में एंड नाइट में एकदम क्लियर दिखेगा। नंबर 5 पर सेटिंग आती है इसे करने के लिए आपको जाना सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। देन आपको जाना है वीडियो वाले ऑप्शन में। वीडियो में आने के बाद आपके यहाँ पे सबसे नीचे से जाना है, आपके यहाँ पे GUI स्केलर मॉडिफायर दिखेगा, आपको इसे -1 पे कर देना है। एंड जैसे आप ऐसा करेंगे सारी चीज़ें छोटी लगने लगेगी एंड ये थोड़ा पीसी वाले लुक में आ जाएगा। नंबर 6 पर सेटिंग आती है इसे करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। देन आपको जाना है वीडियो वाले ऑप्शन में। अब आपके यहाँ पे सबसे नीचे से जाना है, आपके यहाँ पे UI प्रोफाइल दिखेगा, आपको इसे पॉकेट से क्लासिक पे कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे जो भी आपके पॉकेट सन का UI होगा जावा एडिशन में चेंज हो जाएगा एंड कुछ इस टाइप का लगेगा। नंबर 7 एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में। देन आपको जाना है टच वाले ऑप्शन में। आपके यहाँ पे स्प्लिट कंट्रोल्स नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसे एनेबल कर देना है। जैसे आप इसे एनेबल करेंगे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में जो एक गोल टाइप का आता था अब यह जावा एडिशन की तरह प्लस वाले आइकन में आ जाएगा। सो ये मैंने बता दिया 7 सेटिंग्स, आप जरूर से इन 7 सेटिंग्स को करना एंड आप खुद ही फर्क जान जाओगे। सो आज के लिए बस इतने ही। गेमर्स लाइक बटन को दबाना मत भूलना और नए गेमिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। अगली बार मिलते हैं, तब तक खेलते रहिए और हमेशा ऑसम रहिए। अलविदा।